दोस्तों, बहुत समय पहला दी गल है कि पुरातन चीन विच तीन बजुर्ग भिक्षु रहिंदे सी। उन्हां दे नाम तां अज याद नहीं क्योंकि उन्हां ने अपने बारे कदी किसे नूं कुछ दस्या ही नहीं सी। उन्हां नूं तीन हसन वाले भिक्षु यानी कि थ्री लाफिंग मॉन्क्स वजों जानिया जाता है। वो हमेशा इकट्ठे यात्रा करते सन अते हसन तो इलावा होर कुछ भी नहीं करते सी। वो किसे पिंड या कस्बे विच वड़दे उसदे मुख चौंक दे विचकार खड़े हो जांदे अते हसन लग जांदे। हौली हौली पर यकीनन उत्थे रहण वाले, काम करन वाले अते राहगीर अपने आप नूं रोक नहीं सन पांदे ते वो भी उन्हां नूं हसदियां देख के हसन लग पैंदे सी। हौली हौली उत्थे लोकां दी भीड़ इकट्ठी हो जांदी, वो भी उन्हां नूं वेख के हसन लग पैंदे अते सारे पिंड विच हसी दी लहर शुरू हो जांदी अते पिंड विच हासा फैल जांदा। उस तों बाद ये तीन भिक्षु अगले पिंड वल नूं चल पैंदे। उन्हां दा हासा ही उन्हां दी इको एक बंदगी सी, सिख्या सी, उपदेश सी, क्योंकि उन्हां ने कदी भी किसे पिंड दे व्यक्ति नाल गल नहीं कीती सी। उन्हां नूं लोकी बड़ा ही प्यार अते सत्कार दिंदे सन ते लोकां ने अजे अध्यात्मिक गुरु पहला कदी नहीं सी देखे। इसलिए वो काफी लंबे अरसे तक सफर करदे रहंदे, हसदे रहंदे अते पूरे चीन विच अपने ते लोकां दे हासियां ते खुशियां नूं फैलांदे रहंदे। एक दिन उत्तरी सूबे दे एक खास पिंड विचों दी हुंदे होए उन्हां विचों एक दी मौत हो गई। लोग हैरान हो गए अते दूरों दूरों भज्जे आए। दिन भर खेतां नूं अणगौलिया छड सिर्फ इस घटना ते होर दो भिक्षुआं दी प्रतिक्रिया जानन लई ओ दूरों दूरों आके इकट्ठे होण लग पए। ओ उम्मीद कर रहे सी कि बाकी ते दोनों भिक्षु अपने साथी दी मौत तो बाद दुखी होणगे अते रोणगे, पर ओ बचे हुए दोनों भिक्षु लगातार हसी जा रहे सन ते हसनों रुकी नहीं रहे सन। इसलिए कुछ लोग जो इस नजारे नूं देख रहे सन बड़े हैरान परेशान हो रहे सन ते उन्हां नूं यकीन ही नहीं आ रहा सी कि बचे हुए दो भिक्षु अपने साथी दी मौत दा दुख क्यों नहीं मना रहे। आश्चर्यचकित हो के भीड़ विचों किसे एक व्यक्ति ने हिम्मत करके भिक्षुआं नूं पुछया कि तुहानूं दुख नहीं होया अपने साथी दी मौत दा? तां इस वारी भिक्षुआं ने पहली वारी अपना मूंह खोलिया ते असल विच जवाब दिता कि कल जदों असीं तुहाडे पिंड विच दाखल हो रहे सी तां रस्ते विच उन्हां दे तीसरे भिक्षु साथी ने ये शर्त रखी सी कि वो बाकी दे दोनों भिक्षुआं नूं हरा के पहला मरेगा ते हुण वो शर्त जीत गया। चीन दी पुरानी परंपरा दे मुताबिक मरे हुए व्यक्ति दा अंतिम संस्कार करन तो पहला उसते पुराने कपड़े बदल के उसनूं नवा चोला पवाया जांदा है, पर इस तीसरे बुजुर्ग भिक्षु ने स्पष्ट तौर ते अपने दो भिक्षु मित्रां नूं ये कहा सी कि उसते अंतिम संस्कार तो पहला उसते कपड़े ना बदले जान, क्योंकि संसार दी कोई भी गंदगी उसते नेक, पाक अते पवित्र हासे तक नहीं पहुंच सकती। यही उसकी अंतिम इच्छा सी। इसलिए ओ बुजुर्ग भिक्षु दे शरीर नूं उन्हां दे पाए हुए कपड़ियां दे समेत ही अग्नि उत्ते रखिया गया। जिवें ही उसका अंतिम संस्कार किया गया आसमान विच रंगीन आतिशबाजियां गूंज उठियां अते सारे लोग ये नज़ारा देख के हैरान हो गए ते दोनों सियाने भिक्षुआं ने कदी ना रुकण वाले हासियां विच शामिल हो गए अते सारे मिल के जोर जोर दी लगातार हसन लग पे। दोस्तों, शायद साडा जन्म ही इस संसार विच हसन अते आनंद माणन लई होया है। सो अगली वारी जदों भी तुहानू किसे मुसीबत दा सामना करना पवे
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।